बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम उम्मीदवार भगवान राम से आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इसी कार्यकाल में हुआ है। मोदी के समर्थकों का कहना है कि भगवान राम को लेकर मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार को भगवान राम फिर से लाएंगे। जहानाबाद एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत के लिए जदयू प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य संजय कुमार सिंह ने अयोध्या में जाकर भगवान राम से जीत का प्रार्थना किया। वहीं आशीर्वाद के रूप में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए अयोध्या का गमछा और प्रसाद लेकर आए, जिसे सांसद ने दिल से स्वागत करते हुए श्रद्धा भाव के साथ सेवन किया। इस मौके पर संजय कुमार सिंह ने कहा कि भगवान राम से हम प्रार्थना किए हैं कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने और जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की ऐतिहासिक जीत हो। हम अयोध्या गए थे और रामलला को दर्शन किए। यहाँ के जो एनडीए जहानाबाद का जो एनडीए के कैंडिडेट हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, रामलला जी से प्रार्थना किए कि जहानाबाद लोकसभा सीट से विजय हो और जो नरेंद्र मोदी जो भव्य मंदिर का जो निर्माण किए हैं वो भव्य मंदिर का दर्शन करके और यहाँ के जनता से, बिहार की जनता से, पूरे भारतवर्ष की जनता को सुखमय जिंदगी जीवन व्यतीत करने के लिए दुआ प्रार्थना किए। और जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि 400 पार, उसी कड़ी के अंतर्गत में यहाँ का जो संसद है चंद्रवंशी जी वो जीतें और 400 पार में गिनती आए, यही रामलला जी से हम लोग मांग किए कि यहाँ का संसद विजय हो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राम जी को लाए हैं, जहानाबाद में आप लोग चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ला पाएंगे? निश्चित तौर पे यहाँ का जीत, एनडीए कैंडिडेट का जीत, चंद्रवंशी जी का जीत भारी मतों से जीत होगा। और जो हम लोग का वोटर है वो मौन वोटर है, वो बूथ तक और जो पंचायत स्तर बूथ तक है जो काफ़ी संख्या में उत्साह है, इसी कारण है जो हमारा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनकी जीत पक्की है। भगवान राम से क्या अपील किए, क्या आग्रह किए, क्या प्रार्थना किए आप? भगवान आग्रह से प्रार्थना किए कि इनका जो कार्यकाल रहा 5 साल का वो बहुत शांति प्रिय रहा, खास करके जहानाबाद क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे दोबारा हम लोग ये विजय के लिए भगवान रामलला से प्रार्थना किए कि इनकी दोबारा जीत सुनिश्चित तय हो, इसीलिए हम प्रार्थना आग्रह विनती किए और मांग किए रामलला जी से कि विजय हो।